इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है जी, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है आपके पास कि कंप्यूटर का जन्मदाता किसे कहा जाता है। ऑलमोस्ट सभी को पता होगा, चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है कंप्यूटर का जन्मदाता। अब सेकंड क्वेश्चन है, कंप्यूटर का बुनियादी संरचना का विकास किसने किया था। कुछ जिसने इसका जन्म दिया होगा उसी ने इसका विकास भी किया होगा, तो इसका भी आंसर है चार्ल्स बैबेज। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है आपका, चार्ल्स बैबेज ने प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता है। तो प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर जो था उसको हम प्रोटोटाइप के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसको हम जानते हैं प्रोटोटाइप के नाम से। उसको हम किस नाम से जानते हैं? प्रोटोटाइप के नाम से। उसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है। प्रथम कंप्यूटर का नाम है सिद्धार्थ। प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? सिद्धार्थ। ठीक है, प्रथम कंप्यूटर का जो नाम है वह है सिद्धार्थ। अब अगला क्वेश्चन है कि भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है। ठीक है, तो आप लोग डीआरडीओ, इसरो ऐसा कुछ मार्क्स करके नहीं आना है। उसका जो विकास है वो किया था सीडेक कंपनी ने। किसने किया था? सीडेक ने। ठीक है, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? इसकी खोज हुई थी 1946 ईस्वी में। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा किसी इंफॉर्मेशन को प्रतीत किए जाते हैं किस वे में। ठीक है, किस वे में प्रतीत किया जाता है? डाटा के वे में। ओके, किस वे में प्रतीत किया जाता है? डाटा के वे में। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा किसी इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं क्या? डाटा। ओके, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है, यानी सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सीपीयू का पूरा नाम है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका क्या नाम है? कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। अब अगला क्वेश्चन है आपका कि कंप्यूटर में डाले जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं। सपोज दो चीजें होती हैं जो हम कंप्यूटर में कोई भी डाटा एंट्री करते हैं। सपोज हमने कुछ टाइप किया, एंड दैट मींस हमने उसको कुछ इनपुट दिया। ओके, हमने उसको क्या दिया? इनपुट दिया। इसके बियॉन्ड जो कंप्यूटर हमें वो निर्देश देता है, हमें जो दिखाता है, वो उसका क्या है? आउटपुट है। वो उसका क्या है? आउटपुट है। यानी हमने जो दिया वो क्या है? इनपुट है, और वो उसने जो मुझे शो किया वो क्या है? आउटपुट है। भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस था। भारत में पहला कौन सा वायरस खोजा गया, उसका नाम क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। उसका जो नाम था, उसका नाम था श्री ब्रेन। उसका क्या नाम था? श्री ब्रेन। ठीक है, उसका क्या नाम था? श्री ब्रेन। ओके, उसका क्या नाम था? श्री ब्रेन। जो पहला वायरस जो है भारत में खोजा गया था। कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है? एक्चुअल में जो कंप्यूटर डाटा अपने अंदर जो संग्रहित करता है उसको करता है चिन्ह एवं संज्ञानात्मक सूचना को। सपोज हमने उसे कुछ दिया, तो हमें ये पता है कि हम जो टाइप कर रहे हैं वो एक कीबोर्ड से डाला गया इनपुट है, बट कंप्यूटर उसे किस लैंग्वेज में समझता है और वो उसे कैसे समर्पित करता है अपने अंदर, उसे हम बोलते हैं, वो समर्पित करता है चिन्ह एवं संख्यात्मक सूचना को, जिसे हम बाइनरी कोड के भी द्वारा जानते हैं, बाइनरी कोड का भी नाम से जानते हैं। ठीक है, तो बाइनरी कोड का इस्तेमाल जो है, जो आपके प्रोग्रामर होते हैं, ठीक है, वो इस्तेमाल करते हैं बाइनरी कोड को। ठीक है, 00000001 बाइनरी कोड, ऑक्टा कोड, हेक्साडेसिमल, ये सब वो यूज करते हैं। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? दोस्तों ये मैं डायरेक्ट क्वेश्चन है, डाटा किसे कहा जाता है, इनपुट किसे कहा जाता है, सूचना किसे कहा जाता है, हम इसी में गलतियां करके आते हैं। तो देखिए, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में सूचना कहा जाता है जो एकत्रित डाटा है, जो कलेक्टिव डाटा है, जो कलेक्टिव डाटा है
उसे ही कहा जाता है सूचना, इसे एकत्रित डाटा, जो डाटा एकत्रित किया उसी को कहा जाता है सूचना, एकत्रित डाटा को सूचना कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए, सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता हो, यानी सीपीयू का वह भाग, हमें पता है कि कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है सीपीयू को, लेकिन सीपीयू के अंदर भी एक कंपोनेंट होता है जो सीपीयू के गतिविधियों को कंट्रोल करता है, यानी कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट को भी कंट्रोल कौन करता है, सपोज एक हो गया सन, सन को कंट्रोल करता है फादर, और सन के फादर को कौन कंट्रोल करता है, ग्रैंडफादर, इसको हम ग्रैंडफादर भी बोलते हैं, और इसको कंट्रोल करता है कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट सीयू बोलते हैं उसको, तो क्या बोलते हैं कंट्रोल यूनिट, ये एक ऐसा पार्ट होता है जो सीपीयू के गतिविधियों को कंट्रोल करता है। अगला आता है एलयू को क्या बोलते हैं, यानी एलयू का पूरा नाम क्या है, इसका नाम है एल्गोरिथम, ठीक है, सॉरी एल्गोरिथम नहीं, इसको बोलते हैं अर्थमैटिक लॉजिक यूनिट, इसको क्या बोलते हैं अर्थमैटिक लॉजिक यूनिट, ओके। ये भी एक फंक्शनेबल कंपोनेंट होता है कंप्यूटर के अंदर जो किसी भी डाटा को प्रोग्रेस कराने के लिए काम में लाता है, ठीक है। कंप्यूटर को किस प्रकार की वृद्धि की संज्ञा दी जाती है, ओके, किस प्रकार की वृद्धि की संज्ञा दी जाती है दोस्तों, इसको कृत्रिम, इसको क्या बोला जाता है, कृत्रिम वृद्धि की संज्ञा दी जाती है। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है, मानव के मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति, दोनों को कंपेरिजन करना है आपको, मानव का मन ज्यादा इंटेलिजेंट है या फिर कंप्यूटर, तो दोस्तों यहाँ पे कंप्यूटर मत बनिएगा, क्योंकि मानव का मन है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा प्रोसेस करता है। सपोज आपने कुछ टाइप किया सिस्टम में, सिस्टम उस चीज को ढूंढेगा, तब तक आपका माइंड इस चीज को प्रोसेस कर चुका होगा कि इसको इसका आंसर क्या होने वाला है, ठीक है, इसलिए मानव का जो मन है वो सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे खतरनाक भी है, क्योंकि उन्होंने मानव ने ही क्या कंप्यूटर की संरचना या फिर कंप्यूटर को बनाया है। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है, तो कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है सीपीयू, और सीपीयू का नियंत्रक भाग कहलाता है सीयू, ठीक है, और कंप्यूटर का किस भाग को मस्तिष्क कहा जाता है, वो होता है आपका सीपीयू कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। सर्वाधिक सामान्य आउटपुट डिवाइस है, सर्वाधिक सामान्य आउटपुट डिवाइस कौन कौन सा है आपका, एक तो होता है आपका मॉनिटर, ठीक है, एंड प्रिंटर, ये आपका है आपका सर्वाधिक सामान्य आउटपुट डिवाइस है, इसमें माउस को भी आप कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि ये के ऑपरेशनल चीज है, ठीक है, लेकिन मॉनिटर आपका है ऑपरेशनल है, ठीक है, और आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि जो भी हम इनपुट कीबोर्ड द्वारा देते हैं वो हमें कहाँ दिखाई देता है, मॉनिटर पे। सपोज हमने कोई आउटपुट को प्रिंट लिया, यानी उसको हमने अपने सामने रखने की कोशिश की, उसको प्रोसेसिंग कौन करता है, प्रिंटर, ठीक है। आप माउस वगैरह कीबोर्ड को मत मार्क्स कीजिएगा यहाँ पे। कंप्यूटर के कार्य का करने का सिद्धांत है, क्या कार्य करने का सिद्धांत है, वो है उसका प्रोसेस, कार्य करने का क्या सिद्धांत है, प्रोसेसिंग। सीपीयू का मुख्य घटक कौन कौन से हैं, अभी आपसे पूछ रहा है कि सीपीयू का मुख्य घटक कौन कौन से हैं, तो मैंने आपको बताया मुख्य घटक कौन कौन सा होगा, सीयू कंट्रोल यूनिट, उसके बाद क्या होगा उसकी मेमोरी, मेमोरी कितनी है उतना ही डाटा वो कैप्चर करके रखेगा, उसके बाद मैंने आपको एएलयू के बारे में बताया, अर्थमेटिक, ठीक है, लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। 23, कौन कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामान्यजनक स्थापित करता है, यानी सामंजस्य स्थापित करता है, वो आपका करता है ये नेक्स्ट क्वेश्चन छूट गया, ठीक है, टू प्रोसेस डाटा किसे कहा जाता है, ठीक है, सोचिए प्रोसेस डाटा किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है आपको
आउटपुट वैन को, आउटपुट वैन को प्रोसेस डाटा कहा जाता है। ठीक है, आउटपुट वैन को प्रोसेस डाटा कहा जाता है। अब है कि कौन कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है, वो सामंजस्य कौन स्थापित करेगा आपका, सीयू, कंट्रोल यूनिट। यहाँ पे सीपीयू मार्क्स करके मत आइएगा दोस्तों, सीयू और सीपीयू और एलयू में बहुत डिफरेंस है, इसलिए ज्यादातर क्वेश्चन आपको सीयू पे मिलेंगे। किसके द्वारा इनपुट का आउटपुट रूपांतरण किया जाता है, जो हमने इनपुट दिया वो किसके द्वारा किया जाता है रूपांतरण, ठीक है, तो वो किया जाता है सीपीयू के द्वारा, वो किसके द्वारा किया जाता है सीपीयू के द्वारा। और कंप्यूटर का वह भाग जो जोड़ घटाव गुणा भाग तथा तुलनात्मक कार्य करता है, ठीक है, ये कंप्यूटर का वो कौन सा भाग है, ठीक है, कंप्यूटर का वो कौन सा भाग है, वो भाग है आपका कंट्रोल यूनिट। वो कौन सा है आपका, कंट्रोल, ठीक है, वो कौन सा आपका, कंट्रोल, ठीक है। उसके बाद है 26, आउटपुट क्या है, आउटपुट क्या है, आउटपुट वो चीज है जो प्रोसेस हुआ है, यानी जो प्रोसेसर यूजर को दे, यूजर को दे, प्रोसेस डाटा को किसको दे, यूजर को, ओके, वो आउटपुट है। प्रथम किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था, दोस्तों प्रथम कैलकुलेटर जो है, मैकेनिकल कैलकुलेटर का जो निर्माण है वो किया था ब्लेज पास्कल ने, किसने किया था, ब्लेज पास्कल ने, किसने किया था, ब्लेज पास्कल ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि कौन सा कंप्यूटर सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा है, ठीक है, 28, कौन सा कंप्यूटर सबसे बड़ा, सबसे तेज, सबसे महंगा है, दोस्तों उसका नाम है सुपर कंप्यूटर। उसका क्या नाम है, सुपर कंप्यूटर, प्रथम गणना, गणना तंत्र यानी कैलकुलेटिव डिवाइस कौन है सर्वप्रथम, तो वो है आपका एबकस, वो है आपका एबकस। अभियंत्रण उद्देश्यों के लिए कौन सा कंप्यूटर सबसे उपयुक्त होता है, कौन सा कंप्यूटर सबसे उपयुक्त होता है, वो होता है आपका एनालॉग कंप्यूटर, कौन सा होता है आपका, एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है। कौन सा कंप्यूटर सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाता है, जो हम आम तौर पे यूज करते हैं वो कौन सा कंप्यूटर है, वो है आपका डिजिटल कंप्यूटर, वो है आपका डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है। और अभियंत्रक उद्देश्यों के लिए कौन सा यूज किया जाता है, एनालॉग कंप्यूटर, जो हम सामान्य अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं, लैपटॉप, कंप्यूटर, डेस्कटॉप, वो है आपका डिजिटल कंप्यूटर। ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने के लिए उपभोक्ताओं के लिए सुविधाजनक होते हैं, दोस्तों ये हमें पता है, वो किसे बोलते हैं, लैपटॉप। दोस्तों लैपटॉप के पीछे एक कहानी है, मैं आपको बता देता हूँ कि लैपटॉप को लैपटॉप क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे वो चीज का आंसर भी लिखा हुआ है कि वो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने में उपभोक्ताओं को सुविधाजनक होते हैं, ठीक है। लैप का मतलब होता है गोद, लैप का मतलब होता है गोद, वो यूनिट या फिर वो मशीन जिसको हम आसानी से गोद में रख के यूज कर सकते और उसका टॉप ऑफ द फेस हमारी आंखों के सामने हो, यानी उसका मॉनिटर हमारी आंखों के सामने हो, उसी को हम बोलते हैं लैपटॉप, इसीलिए कंप्यूटर का दूसरा नाम है लैपटॉप। कंप्यूटर में आईसी चिप्स के उत्पादन के लिए किस धातु की आवश्यकता होती है, दोस्तों वो होती है सिलिकॉन की, ठीक है, वो होती है सिलिकॉन की। अब मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटरों में शुरू हुआ, मल्टीटास्किंग, ठीक है, मल्टीटास्किंग कौन से पीढ़ी में हुआ था, वो ये हुआ था आपकी थर्ड जनरेशन में, कब हुआ था, थर्ड जनरेशन के कंप्यूटरों में मल्टीटास्किंग आ गई थी, यानी मल्टी प्रोग्रामिंग, ठीक है, मल्टी प्रोग्रामिंग जो है किस पीढ़ी में आई थी, वो आई थी आपके थर्ड जनरेशन में, ठीक है। अब मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए, ठीक है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ बनाया गया,
ठीक है, मल्टक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ बनाया गया? मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए दोस्तों, ये बनाया गया था वेल प्रयोगशाला में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेल प्रयोगशाला में बनाया गया था इसका, ठीक है। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये बना था 1979 ईस्वी में, ठीक है। कब बना था पहला सुपर कंप्यूटर? 1979 में बना था। व्यक्तिगत तौर पे किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? व्यक्तिगत आम तौर पे वो किया जाता है माइक्रो कंप्यूटर। इसमें भी अब डिफरेंट हो गया, गेमिंग कंप्यूटर हो गया, डिजिटल कंप्यूटर हो गया, स्टूडेंट कंप्यूटर हो गया। सुपर कंप्यूटर तो हम यूज ही नहीं कर सकते, वो यूज करते हैं डीआरडीओ इसरो वाले, जिसमें हाई प्रोटोकॉलिंग की होती है सामान। पूर्ण में फोटोन के साथ कार्य करने वाला कंप्यूटर किस युग के कंप्यूटर थे? ठीक है, पूर्व में फोटोन के साथ कार्य करने वाला कंप्यूटर किस युग के थे? तो दोस्तों ये आपके थे सेकंड युग के, ये कब के थे? सेकंड युग के। अब माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का? ये दोस्तों है फोर्थ जनरेशन का है माइक्रो प्रोसेसर। थर्ड का कौन सा है? मल्टी प्रोग्रामिंग। फोर्थ का क्या है? माइक्रो प्रोसेसर। और टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ? तो ये हुआ था आपका थर्ड पीढ़ी के कंप्यूटर में, ठीक है, थर्ड पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था। अब गणना संयंत्र एबकस का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो ये हुआ था चीन में। ये हमारा क्या था? पहला मैकेनिकल डिवाइस थी। अब प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर का क्या दोष था? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर क्या दोष था? क्योंकि हम उसमें माइक्रो प्रोसेसिंग यूज नहीं करते थे, उसमें जो भी कंपोनेंट होते थे बहुत बड़े बड़े होते थे, सिलिकॉन का यूज नहीं, मतलब सिलिकॉन के जो माइक्रो चिप है वगैरह नहीं यूज होते थे, तो वो क्या था, उसका आकार जो होता था बड़ा होता था, इसीलिए वो फेल हो गया। सेकेंड, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर के मुख्य घटक हैं कौन कौन से? मुख्य घटक हैं, ठीक है, वो है आपके इंटीग्रेटेड सर्किट। तुम क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी जो उसमें किसका इस्तेमाल होने लगा, कंपोनेंट को एक सर्किट में तब्दील कर दिया गया, जिससे क्या हो गया, उसका साइज छोटा छोटा हो गया, ठीक है। पहले हम एसी से डीसी करने के लिए ट्रांसफार्मर लगाते थे, अब उसके बदले छोटे छोटे कंपोनेंट और जोड़ के उसको हम क्या कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या हो गया, वो सर्किट में तब्दील हो गया। पहले वायर से कनेक्ट करते थे, अब उसको एक सर्किट में कर दिया गया। अब एक यहाँ पे नंबर है 80386, नंबर याद करके रखिएगा, 80386 सुपर चिप का प्रयोग मिनी कंप्यूटर में लगाने से क्या बनता है? वो बनता है आपका सुपर मिनी कंप्यूटर। क्या बनता है? सुपर मिनी कंप्यूटर। बढ़ते अगले, टेलीविजन के आकार का कंप्यूटर कौन होता है? टेलीविजन का आकार का कंप्यूटर कौन होता है? वो होता है आपका माइक्रो। वो कौन सा होता है? आपका माइक्रो कंप्यूटर। अब माइक्रो कंप्यूटर की क्षमता कितने प्रति सेकंड की होती है? ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर की क्षमता कितने प्रति सेकंड की होती है? तो ये दोस्तों होती है 1,00,000। कितनी होती है? 1,00,000, ठीक है, संक्रिया, यानी 1 सेकंड में ये कितनी संक्रियाएं करता है? 1,00,000, ठीक है। विकलांगों के लिए विशेष रूप से बनाए गए कंप्यूटर का क्या नाम है? वो नाम है ऑल राइट। कंप्यूटर क्या नाम है? ऑल राइट। विकलांगों के लिए विशेष रूप से बनाए गए कंप्यूटर का क्या नाम है दोस्तों? वो नाम है ऑल राइट। अब इनपुट को आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है सीपीयू के द्वारा। अब फुजीसी, हिटाची एंड एनआईसी किस देश की कंपनियां हैं?
ठीक है, किस देश की कंपनियां हैं, ये तीन कंपनियां दी हुई है, किस देश की कंपनी है दोस्तों, ये जापान की कंपनी है, ये जापान की कंपनियां है। अब विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर की आकृति कैसी थी, इसकी आकृति कैसी थी, आकृति थी दोस्तों बेलनाकार, आकृति कैसी थी बेलनाकार प्रथम कंप्यूटर की। भारत में बनी सुपर कंप्यूटर श्रृंखला का क्या नाम है, ठीक है, उसका नाम है परम, उसका क्या नाम है परम, दोस्तों याद रखिएगा परम। भारत में प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का आगमन कब हुआ था, ये आपसे डेट पूछ रहा है, और ये हुआ था 1955 ईस्वी में, ठीक है 1955 ईस्वी से भारत में प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का आगमन कब हुआ था, ये होता आपका 1955 ईस्वी में। भारत का दूसरा कंप्यूटर इंडिया में कब आया, कंप्यूटर दूसरा कंप्यूटर इंडिया में कब आया था, ये आपका आया था इसके ठीक तीन साल बाद 1958 ईस्वी में, ठीक है 1958 ईस्वी में। भारत में आयात दूसरा यूराल कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था, कौन सा कंप्यूटर, यूराल कंप्यूटर, यूराल कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था, ये स्थापित किया था आईआईटी में, यानी भारतीय सांख्यिकी संस्थान, सांख्यिकी संस्थान में स्थापित किया गया था इसको। और भारत में व्यावसायिक कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था, ठीक है ये पूछ रहे हैं आपसे कहाँ स्थापित किया गया था, दोस्तों ये पहले किया गया था मुंबई में, कहाँ किया गया था मुंबई, ठीक है कहाँ किया गया था मुंबई। वीडियो की लेंथ ज्यादा होगी पर दोस्तों 100 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें, ये 100 क्वेश्चन अगर आप इसको दो बार नहीं तीन बार देख लेते हैं तो आई होप, मैं आशा करता हूँ 5 मार्क्स ना आपके बैंकिंग के जाएंगे ना आपके कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन जहाँ भी पूछे जाते हैं, 5 मार्क्स तो इस 100 क्वेश्चन में से रखे हुए ही हैं आपके। अगर आप इसको तीन बार देख लेते हैं दो बार देख लेते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कितने देर में कितने बार में इसको आप कंटिन्यू देखने के बाद इसको याद रख सकते हैं। दोस्तों मैंने तो इसको 5 बार देखा था, ठीक है अब आपका है 5 मार्क्स के लिए तो 2 घंटे जरूरी है, ठीक है। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है, दोस्तों ये इतना इम्पोर्टेंट है जिस जो आज तक हम कंप्यूटर चलाते हैं उसमें किसी को भी नहीं पता होता कि फंक्शन की, दोस्तों फंक्शन की का मतलब होता है Fn वाली जो की होती है ना, जो आपके कंट्रोल और विंडो के बीच होती है, कहाँ होती है कंट्रोल और जो आपका विंडो होता है ना, विंडो ऐसा होता है ना विंडो का बटन, तो विंडो के बीच में होता है फंक्शन, ठीक है। और ये पूछ रहा है आपसे कितनी होती है, ये आपको बताना है फंक्शंस की कितनी होती है, तो ये फंक्शन की काम करती है F1 F2 F3 याद आ रहा है दोस्तों, ये फंक्शन की होती है और इसके साथ कौन कौन से बटन काम करते हैं आपके F1 F2 F3 F4 F5 जो F12 तक होते हैं, कहाँ तक होते हैं F12 तक, ठीक है। अगर आप फंक्शन की के बिना अगर इस बटन को प्रेस करेंगे उसमें सेकेंडरी ऑर्डर में जो लिखा होता है जैसे म्यूट है, नेक्स्ट का बटन है, साउंड है, ब्राइटनेस है, ठीक है आपका डिस्प्ले चेंज करने वाला है, ये सब काम करेंगे बिना फंक्शन की प्रेस किए हुए। लेकिन अगर आप फंक्शन की प्रेस करते हैं तो काम करेगा आपका F1 F2 F3 F5 4, ठीक है। तो ये ध्यान देने वाली बात है, ये जो नए वाले कीबोर्ड आ रहे हैं उसमें फंक्शन की का इम्पोर्टेंस बढ़ गया है। सपोज आप अगर एक्सेल में काम करते हैं तो फंक्शन की ज़्यादा इस्तेमाल होती है, एक्सेल वर्ड वगैरह में ज़्यादा इस्तेमाल होती है। अब बात आती है ये होते कितने हैं, तो फंक्शन की कितने होते हैं दोस्तों, फंक्शन की होते हैं 12, कितने होते हैं 12, ये भी पूछ लिया आपसे कौन कौन से होते हैं, तो दोस्तों वो होते हैं F1 से F12 तक होते हैं आपके 12। वो कैसे काम करते हैं, तो Fn का एक बटन होता है जो कंट्रोल और विंडो के बीच में होता है एट द लेफ्ट साइड ऑफ द कीबोर्ड, ठीक है बॉटम एंड लेफ्ट साइड ऑफ द कीबोर्ड। 57
विश्व का प्रथम एनालॉग कंप्यूटर का निर्माता कौन थे? ठीक है दोस्तों, यहाँ चार्ल्स बैबेज मत मार के, यहाँ पे कौन थे वो? वो थे आपके वैनेवर, वो कौन थे? वैनेवर, ठीक है, बुश। क्या नाम था उनका? वैनेवर बुश। प्रयोगशाला कौन सी थी? वेल्स की प्रयोगशाला, ठीक है। अब आपका है शतरंज खिलाड़ी गैरी का एस्प्रूव, ठीक है, एस्ट्रोप को पराजित करने वाला कंप्यूटर का नाम क्या है? ठीक है, पूछ रहा है कि शतरंज के बहुत ही बड़े गैरी का अप्रोच नाम है उनका, उसको पराजित करने वाला कंप्यूटर का क्या नाम है? उस कंप्यूटर का नाम है डीप ब्लू। कंप्यूटर का नाम है डीप ब्लू, ठीक है, क्या नाम है उसका? डीप ब्लू। डीप ब्लू क्या था? एक स्वतंत्र शतरंज की गेम हुई थी इस कंप्यूटर पे, और उसने किसको पराजित किया था? शतरंज के बहुत ही बड़े खिलाड़ी गैरी अप्रोच। सबसे पहले गणना का आविष्कार किस देश में हुआ था? कॉमन सेंस वाली बात है, ध्यान देने वाली बात है कि किस देश में हुआ था दोस्तों। एबकस किसने बनाया था? एबकस बनाया था चीन ने, तो गणना का आविष्कार हुआ चीन में डिजिटली, ठीक है, डिजिटली गणना का आविष्कार कहाँ हुआ? चीन में, मैनुअली इंडिया में, और वो भी कब? आज से 17,000 साल पहले, जो डाटा मिलता है उस हिसाब से। याद है ना आपको, जब जीरो दिया मेरे भारत ने। सर्वप्रथम इंटरनेट की शुरुआत किस देश में हुआ था? इंटरनेट 60 ये हुआ था यूएसए में। दोस्तों इंटरनेट से जुड़ी एक बहुत ही इंटरेस्टेड वीडियो, अगर टाइम मिलेगा तो मैं बनाऊंगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि इंटरनेट क्या है, आई होप मैं 99% लोगों को बोल सकता हूं कि वो गलत जवाब देंगे। ये आपके लिए क्वेश्चन रहा, मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा इंटरनेट क्या है, ठीक है, इंटरनेट क्या है, ठीक है, जो आए जो समझ में आए आप लोगों को वही बताइएगा इंटरनेट क्या है, नहीं तो मैं इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बताऊंगा, बहुत ही इंटरेस्टेड वीडियो, इंटरनेट का मतलब एक माइंड ब्लोइंग वीडियो इसको बोल सकते हैं, कि अगर टाइम मिलेगा तो मैं बढ़ाऊंगा, क्योंकि इंटरनेट मतलब इतना मतलब इंटरेस्टेड चैप्टर है ना इंटरनेट, क्या बोल सकता हूँ मैं आपको, ठीक है, पर कमेंट में बताइएगा कि इंटरनेट क्या है, ठीक है, इंटरनेट क्या है। दो चीजें ध्यान रखिएगा, हम जो चलाते हैं वो ब्राउजिंग है, हम जो कुछ सर्च करते हैं वो सर्चिंग है, ना कि इंटरनेट है। मैं आपको हिंट दे दे रहा हूँ, आप गूगल का सहारा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बट मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इंटरनेट क्या है, ठीक है। 61 भारत में आए तो आयात किया गया दूसरा कंप्यूटर किस देश से आया? किस देश से आया, ठीक है, वो आया था पहले जिसको हम सोवियत संघ बोलते थे, सोवियत संघ बोलते थे, भूतपूर्व इसको बोल दीजिए, इसको भूतपूर्व बोल दीजिए, सोवियत संघ तो टूट गया, बहुत सारे देश अलग अलग हो गए, पहले ये सोवियत संघ कहलाता था, ठीक है। भारत के तीसरे कंप्यूटर की आपूर्ति किस कंपनी ने की थी? यहाँ पे पता है सबसे गलती क्या होती है, लोग TCS मार्क कर देते हैं, वो भी नहीं होता है तो SCL मार्क कर देते हैं, ठीक है, इन्फोसिस मार्क कर देते, भाई दोस्तों ये नहीं है, इनमें से कोई नहीं है, मैं आपको नाम बताऊंगा चौक जाओगे। आपूर्ति करने वाला पहला 62 वो है आपकी इंडियन कंपनी IBM, इंडियन कंपनी है IBM। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय कंप्यूटर कंपनी इन्फोसिस के संस्थापक कौन है, ठीक है, संस्थापक कौन है? तो ये है, इनके संस्थापक हैं नारायण मूर्ति, इसके संस्थापक कौन है आप? नारायण मूर्ति। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे, 64 भारत में सुपर कंप्यूटर का प्रथम प्रोटोटाइप कब बना, यानी डमी कब बना, ठीक है,
सुपर कंप्यूटर का डमी कब बना, ये है 1991 ईस्वी में, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी। नेशनल परम सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी कहाँ अवस्थित है, ये कहाँ अवस्थित है दोस्तों, ये अवस्थित है पुणे में। पुणे कहाँ है, महाराष्ट्र। अगर स्टेट पूछ ले तो महाराष्ट्र, अगर जगह पूछ ले तो पुणे। विश्व का पहला इंटरटेनमेंट वेब कास्टिंग पोर्टल, ठीक है, विश्व का पहला इंटरटेनमेंट वेब कास्टिंग पोर्टल कौन सा है, तो वो है आपका NUM, ठीक है, नंबर टाइप डॉट कॉम, ठीक है, NUMTYV.com, ठीक है, वेब कास्टिंग पोर्टल है, ठीक है। प्रथम सफल ब्रिटिश इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर का नाम क्या है, तो इसका नाम है दोस्तों कोलोमस वन। इसका नाम क्या है, कोलोमस वन। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के इतिहास में विश्व का प्रथम प्रोग्राम किसे माना जाता है, प्रथम प्रोग्राम किसे माना जाता है, विश्व के इतिहास में विश्व का प्रथम प्रोग्राम किसे माना जाता है, दोस्तों ये माना जाता है लेडी एडा लवलेस। याद करने का तरीका है लवलेस, प्यार जिससे कम हो, उन्होंने ही पहला प्रोग्राम बनाया था, क्योंकि इनके पास बहुत ही टाइम था, लवलेस था, तो नाम क्या है उनका, लेडी एडा लवलेस, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, क्रे किस देश की कंपनी है, क्रे किस देश की कंपनी है, ये यूएसए की कंपनी है, ठीक है। भारत में प्रथम व्यावसायिक कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था, वो मैंने आपको बता दिया, पुणे में, ठीक है, पुणे में तो हमने क्या लगाया था, ये रहा व्यवसायिक कंप्यूटर कहाँ लगाया था हमने, मुंबई में, और पुणे में क्या है, सुपर कंप्यूटर का अपना एस्टेब्लिशमेंट है, ठीक है, सुपर कंप्यूटर के फैसिलिटी है। तो प्रथम व्यवसायिक कंप्यूटर कब स्थापित किया गया था, दोस्तों ये स्थापित किया गया था 1961 में। पहला कंप्यूटर कब आया, 1955 में, दूसरा आया 1958 में, पहला कंप्यूटर, दूसरा कंप्यूटर, उसके बाद प्रथम व्यवसायिक कंप्यूटर 1961 में, ठीक है। भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना कब की गई, जो इलेक्ट्रॉनिक गतिविधियों पर नजर रख सके, वो किया गया था आपका, अब कंप्यूटर का जमाना आ गया भैया, इलेक्ट्रॉनिक बढ़ रहे हैं तो इसके बाद ही किया होगा, तो वो किया गया था 1970 में, ठीक है, कब की गई थी, 1970 में। और भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर के प्रोटोटाइप का क्या नाम था, ठीक है, प्रोटोटाइप का क्या नाम था, उसका नाम था परम 8000। क्या नाम था, परम 8000। विश्व में प्रथम एनालॉग कंप्यूटर का कब निर्मित हुआ था, ये हुआ था आपका 1920 ईस्वी में, ठीक है, 1920 ईस्वी में। अब भारतीय इन्फोटेक उद्योग का पितामह की संज्ञा किसे दी जाती है, ये दिया जाता है, इनका नाम बहुत ही बड़ा है, इनका नाम है फकीर चंद कोहली, इनका क्या नाम है, फकीर चंद कोहली। विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माता का क्या नाम था, क्या नाम था दोस्तों, एक मैंने कंपनी बताई थी क्रे, क्रे कहाँ की कंपनी है, यूएसए की, और इस कंपनी को जिन्होंने बनाया, उन्होंने ही बनाया था विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर, इनका नाम था सीमूर क्रे, इनका क्या नाम था,
सीमूर ग्रे, ठीक है, इनका क्या नाम था, सीमूर ग्रे। भारत में आयत प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का क्या नाम था, उसका नाम था HEC 2M, ठीक है, हैक 2 मिलियन इसका नाम था। भारत में आए थे दूसरे कंप्यूटर का क्या नाम था, दूसरे कंप्यूटर का नाम था यूराल। ये कब आया, 55 में, ये कब आया, 58। भारत में कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में गतिविधियों की शुरुआत कब हुई, तो ये हुई थी 1954 में जब गतिविधियां हुई, तभी तो कंप्यूटर आया 1955, ठीक है। अब डोमेन नामक, ठीक है, डोमेन नामकरण के अंतर्गत भारत का संकेत क्या है, तो वो है हमारा .in, यानी डॉट का मतलब हो गया कोई भी चीज है, .in लग गया तो वो कहाँ से बिलोंग करती है, इंडिया से, ठीक है, वो कहाँ से बिलोंग करती है, इंडिया से। .pk लग गया तो पाकिस्तान से, UK लग गया तो यूनाइटेड किंगडम से, ठीक है। अब कंप्यूटर की बोर्ड में, कंप्यूटर की बोर्ड में F से प्रयोग होने वाले फंक्शन बटनों की संख्या कितनी है, ठीक है, वो मैंने बताया ना, फंक्शन बटन FN, वही F1 F2 कितने हैं, 12। भारतीय संसद में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिल कब पास हुआ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिल पास कब हुआ था, 15 मई सन 2000, ठीक है, कब पास हुआ था, 15 मई सन 2000। विश्व में कंप्यूटर विज्ञान का प्रथम प्रोफेसर किसे माना जाता है, अब ये मतलब बोल दीजिएगा कि आपके क्रे हैं, बेबेज हैं, या फिर मैंने आपको ये बताया था पीछे, ठीक है, वेनेवर, ठीक है, ऐसा कुछ मत बोलिएगा, वो आपके कौन है, वो है आपके टॉन्ग, ठीक है, किल बर्न को, क्या नाम है इनका, टॉन्ग किल बर्न को। अब 83 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो भारत में प्रथम रियल टाइम कंप्यूटर का निर्माण कहाँ हुआ था, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर से रिलेटेड DRDO, ISRO, ये सब नहीं, या फिर वो हो सकता IIC बेंगलोर, या फिर कोई IIT, तो क्या कहाँ हुआ था, IIT, पहले IIT था लेकिन अब IIC। अगला क्वेश्चन, एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था, एनालिटिक इंजन का निर्माण, दोस्तों एक्चुअल में यही निर्माण है जो चार्ल्स बैबेज द्वारा किया गया था, और इसी पे शुरू हुई कंप्यूटर की जनरेशन, ठीक है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक हैं कौन है, कौन से हैं, अपने निर्यात ट्यूब का नाम सुना, निर्वात ट्यूब, ठीक है, जिसे हम वैक्यूम ट्यूब को अलग से समझ लीजिए, वैसा ही होता है, लेकिन वो वाल्व भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वाल्व भी बोलते हैं, ठीक है। सुपर मिनी कंप्यूटर में कितनी संक्रियाएं प्रति सेकंड समाहित होती है, मैंने डिजिटल कंप्यूटर बताया कितने होते हैं, 1 लाख, अब सुपर मिनी कंप्यूटर में कितनी होती है, उससे 5 गुना ज्यादा, यानी कितनी होगी, 5 लाख, ठीक है, कितनी होती है, 5 लाख। सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था, पंच कार्ड, ठीक है, पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था, तो पंच कार्ड का प्रयोग किया था जोसेफ मैरी ने, किसने किया था, जोसेफ, हिंदी में लिखता हूं, जोसेफ मैरी ने, ठीक है। कंप्यूटर में के विज्ञान में सर्वाधिक योगदान किसका है, ठीक है,
बोल रहा है कि कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है, ये योगदान है सर्वाधिक वॉन न्यूमन का। किसका योगदान है सबसे ज्यादा? वॉन न्यूमन का। अब प्रथम अंकीय कंप्यूटर ब्लूप्रिंट का विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? ऑफ कोर्स चार्ल्स बैबेज का है। चार्ल्स बैबेज का है। 89 पहुंच गए, 11th क्वेश्चन बच रहे हैं। और कौन सा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को इंफॉर्मेशन करते हुए प्रोसेस करता है? ठीक है, डाटा को इंफॉर्मेशन करते हुए प्रोसेस करता है, उसका नाम है प्रोसेसर। क्या नाम है उसका? प्रोसेसर। इंटीग्रेटेड चिप का विकास किसने किया है? किसने किया है भैया? आईसी का विकास किसने किया है? याद आ रहा है ना? जे एस किल्वी। चिप किसकी परत होती है? चिप का किसका परत होता है? इंटीग्रेटेड चिप, आईसी का चिप किसका परत होता है? सिलिकॉन का। किससे बना होता है या फिर किसकी परत होती है? सिलिकॉन की। चुंबकीय डिस्क, यानी जो आपका हार्ड डिस्क है ना, चुंबकीय डिस्क किस पदार्थ की परत चढ़ी होती है? चुंबकीय डिस्क में किस पदार्थ की परत चढ़ी होती है? दोस्तों चढ़ी होती है आयरन ऑक्साइड की। किसकी चढ़ी होती है? आयरन ऑक्साइड की। ठीक है, अब सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? सुपर कंप्यूटर। कौन सा है? सुपर कंप्यूटर। अब डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो किस सिद्धांत पे काम करता है दोस्तों? ये काम करता है कैलकुलेशन पे। किस पे काम करता है? कैलकुलेशन, कैलकुलेट कर लो या फिर गणना कह सकते हैं। किस पे काम करता है? गणना पे। ठीक है, सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से किस संदर्भ में भिन्न है? सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, सुपर मिनी कंप्यूटर, इन दोनों में से कैसे भिन्न है सुपर कंप्यूटर? क्या खास है उसमें? ठीक है, क्या खास है? तो ये खास है इसकी परिकलन क्षमता, परिकलन क्षमता, कैपेबिलिटी। ठीक है, और इसका बृहत, बहुत ही बड़ा स्मृति भंडार, स्मृति भंडार, स्मृति भंडार मतलब दिमाग। ठीक है, परिकलन मतलब सोच, तो बहुत ही बड़ी सोच यानी उसकी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी। बृहद भंडार मतलब बहुत ही बड़ा उसका सर्वर यानी बहुत ही बड़ा हार्ड डिस्क, बहुत ही बड़ा सीपीयू। अब है 97, देखिए, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? 97, तो वो किया जाता है द्वधारी, ठीक है, द्वधारी अंक पद्धति की, अंक पद्धति की। अब 98 है, कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? हम किस पे देखते हैं? हम देखते हैं मॉनिटर पे। दोस्तों डेस्कटॉप मत बोल दीजिएगा, कभी ऑप्शन रहेगा डेस्कटॉप, लेकिन आप बोलिएगा मान डेस्कटॉप। ठीक है, हम बड़े वाले कंप्यूटर को कहाँ रखते हैं? डेस्क पे, इसलिए उसको बोला जाता है डेस्कटॉप। लैपटॉप को कहाँ रखते हैं? गोद में, इसलिए उसको बोला जाता है लैपटॉप। अब कुछ लोग कमेंट करके ये भी बोलेंगे तो लैपटॉप तो हम टेबल पे भी रख के चलाते हैं। दोस्तों नामकरण पे डिपेंडेंसी है। ठीक है, अब एकीकृत परिपथ आईसी, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट का हिंदी नाम क्या है? एकीकृत परिपथ के आविष्कार से किस पीढ़ी का जन्म हुआ? तो मैंने आपको बताया इंटीग्रेटेड प्रोसेसिंग के बारे में कब आई थी? तृतीय पीढ़ी में। ठीक है, मल्टी प्रोसेसिंग ना, मल्टी प्रोसेसिंग बोलिए, मल्टी प्रोग्रामिंग बोलिए। ठीक है, एक छोटे से एक छोटे सिलिकन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहते हैं? यानी पूरी की पूरी उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी उसको क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, या फिर आईसी या फिर एकीकृत
बारीक बात। तो दोस्तों ये हमारा है 100 क्वेश्चन, मैंने आपको बताया। दोस्तों ध्यान देने वाली बात है, अगर आप इसको दो बार ओनली टू टाइम्स अच्छे से देखते हैं ना, मेरे बोलने पर विश्वास मत कीजिएगा, खुद देखिएगा ठीक है। अगर बातें अच्छी ना लगे तो म्यूट करके जरूर देखिएगा ठीक है। तो 5 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले। मैंने वो चीज़ें, मैंने कुछ फालतू की चीज़ें नहीं बताई इसमें, केवल पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस किया है। 5 मार्क्स बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है किसी बैंक के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए। ये हिंदी में था ठीक है, हिंदी वर्जन था। अगर आप इसको इंग्लिश में भी चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में देगा। लेकिन दोस्तों ये मैंने इंटरनेट पूछा है ठीक है। इंटरनेट क्या है इसके बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये इंटरनेट क्या है। अब कोई लोग ये बोलेंगे YouTube है, कोई लोग ये भी बोलेंगे Facebook है, Twitter है, WhatsApp है। दोस्तों ये सब बोलिए, इस पर तो हम ब्राउजिंग करते हैं ना, इस पर तो हम कुछ देखते हैं, इंटरनेट थोड़ी चलाते। एक तो कॉमन सी बात है ना, हम इंटरनेट चलाते हैं, बिल्कुल सही बात है, हम इंटरनेट चलाते हैं। पर हम इंटरनेट चलाते नहीं, हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं ठीक। सॉरी मैंने बता दिया, बट उतना नहीं बताया जो अपने मैंने आपसे जो पूछा है। इंटरनेट ठीक है दोस्तों, इंटरनेट याद रखिएगा। तो लेते हैं विदा आपसे, मिलेंगे अगले वीडियो में ठीक है। अब अगले वीडियो किस चीज़ का होगा ये मुझे नहीं पता ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे दे दिए हैं 5 मार्क्स। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, डिस्कनेक्ट कर दो क्लास का।